बेबी अपनी ड्राइंग खत्म कर रही है। तुम क्या खाना चाहती हो? ओह, बेबी को पैनकेक्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या सभी तैयार है? ओ एनी, बैटर को ऐसे बर्बाद मत करो। वेंसडे तैयार है और दादी, ओ दादी, क्या आप ठीक हो? चलिए शुरू करें। ओह, तो मेरा बैटर तैयार है। मुझे पता था कि मुझे ब्रांडेड पैनकेक्स पकाना होगा। अब चलो एक टावर बनाते हैं और मेरी प्यारी पोती को खिलाते हैं। क्या कमाल की खुशबू है। वाह, तैयार। अब मैं इसमें कुछ मीठा डालूंगी ताकि बेबी को यह जरूर पसंद आए। चलो मेरा फेवरेट मैपल सिरप डाले और थोड़ा बटर, और मेरे पास रेनबो पैनकेक्स होंगे। और मेरे पास रेनबो के सभी रंगों का बैटर है। मैं रेनबो ड्रॉ करने के लिए और नहीं रुक सकती। ओह, ये क्या हो रहा है? ये क्यों निकल क्यों नहीं रहा है? हेलो, अरे नहीं, मैं बैटर से ढकी हुई हूँ। सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे अभी साफ कर लेती हूँ। और खाना बनाने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पहला पैनकेक है। बढ़िया, एक यूनिकॉर्न के बिना कैसा रेनबो। बिल्कुल सही, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। दादी, आप क्या कहती हैं? हुर्रे, मुझे अपनी काली डाई नहीं मिल रही है। वह यहाँ नहीं है। थिंक, ओह, वो केवल यहाँ ही नहीं है बल्कि मेरी काली डाई लेकर आई है। धन्यवाद। चलो कुछ बूंदे गिराओ और तुम्हारा काम हो गया। अब मैं सिरिंज में बैटर ले लेती हूँ। इसे ड्रॉ करने में बहुत सुविधा होगी। अब मैं एक बहुत ही भयावह स्पाइडर वेब और स्पाइडर ड्रॉ कर रही हूँ। कितना प्यारा। बहुत अच्छा। जरा इस बकरी को देखो, प्लेट को ताजे खून से सजाए, ओ मतलब स्ट्रॉबेरी सिरप से, और इस पर वेब और मेरे प्यारे मकरियों को रखेंगे। एक मास्टरपीस। वाओ वेंसडे, ये डरावना निकला। ओ, और स्वादिष्ट भी। हाँ, क्या सभी तैयार है? बेबी, इसे ठंडा होने से पहले खाकर बताओ। हाँ, तो हमारे पास यहाँ क्या है? सब कुछ कितना सुंदर है। ओह, क्या ये असली मकरियाँ है? ओ माँ, यह पैनकेक्स है। वेंसडे ने मुझे फिर से डराने का सोचा है। शायद ये दिखने में जैसा है उसे बेहतर स्वाद का होगा। स्पाइडर प्यारे होते हैं और खाने वाले स्पाइडर बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। स्वादिष्ट। आगे क्या है? ओ, बहुत सारे पैनकेक सिरप के साथ। ये स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे जल्दी चखना चाहिए। स्वादिष्ट, मीठा, बहुत अच्छा। और आगे क्या है? वाओ, ये एक यूनिकॉर्न पैनकेक है और एक रेनबो। और ये यूनिकॉर्न पैनकेक सीधे उड़कर मेरे मुंह में आ जाएगा। अद्भुत। यस। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। यूनिकॉर्न पैनकेक विनर है। मुबारक हो, इनिट बधाई हो। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? ओके। मुझे बहुत भूख लगी है। बेबी, चिंता मत करो, यहाँ बहुत अनुभवी लोग काम कर रहे हैं, है ना दादी? हाँ बिल्कुल, इसे वापस दो वेंसडे। अच्छा ठीक है, ले लो। ओह, यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? मुझे पूरे छिलके से ढक दी हो। क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकती हो? ओह इनी, तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें मदद चाहिए? लाओ, मैं मदद करती हूँ। चलो मैं इसे खींचती हूँ, देखो। धन्यवाद दादी। अब मैं इसे एक विशेष चाकू से काटने जा रही हूँ। देखो कितने सुंदर आलू है। खड़ली, हाँ, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। मैं रंगीन फ्राइज बनाना चाहती हूँ, है ना यह अच्छा? मैं सुंदर रेनबो फ्राइज बनाने जा रही हूँ, जैसा बेबी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तैयार। और अब ज्यादा काम नहीं बचा है, एक फ्राइंग पैन में इसे फ्राई करना है। मेरे पास एक फ्राइंग पैन है, तेल और स्टोव है। मैं इसे फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई करती हूँ। बढ़िया, यह इतना आसान है कि मैं शेफ बनने के बारे में सोच रही हूँ। क्या मुझे शेफ हैट मिलेगी? तो मेरा फ्राइज तैयार है। इनिट, तुम बहुत अच्छी हो, यह बहुत बढ़िया बना है। मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। मैंने साधारण आलू बनाए हैं, रंगीन नहीं, पर ये बहुत स्वादिष्ट है और क्रिस्पी भी। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। चलो कुछ केचप डालें। हाँ, यहाँ बहुत स्वादिष्ट।
और मेरे फ्राइज तैयार हो चुके हैं। हम इसे निकाल सकते हैं और हम इसे पेंट करेंगे। ओह, मैं थोड़ी गंदी हो गई हूँ। बेशक काला मुझे सूट करता है, लेकिन मैं अभी एक नए स्टाइल के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं आलू को काले रंग में रंगना चाहती थी, खुद को नहीं। मेरे गर्म आलू तैयार है। अब इसे केवल फाइनल टच देना बचा है। वाह, तुमने सोचा नहीं होगा कि ये केवल आलू नहीं बल्कि उसके पंजे होंगे। बेबी, फ्राइज तैयार है, चलो चक्कर बताओ। वाह, कितने खूबसूरत फ्राइज है। और व्यंजन ने मुझे फिर से डराने का फैसला किया, लेकिन मैं अब और नहीं डरूंगी। ये सिर्फ फ्राइज है। वाह, सुपर स्वादिष्ट, मैं रुक नहीं सकती। और यहाँ क्या है? ओह, तो यह केचप के साथ सामान्य फ्राइज है, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। बहुत 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 स्वादिष्ट। बहुत ही ज्यादा अच्छा है यह। लेकिन यह तुरंत अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। यह रेनबो फ्राइज है। इसके तो मैंने केवल सपने देखे हैं। मेरे दांतों में रंग लग गया है, मेरा पेट भर गया है, और रेनबो फ्राइज जीत रहा है। वाह इनी, तुम फिर से जीत गई, मुबारक हो। बेबी ने ड्राइंग खत्म कर लिया है। इस बार क्या है? वो एक बर्गर चाहती है। वाह, क्या सभी तैयार है? मैं ऐसा बर्गर बनाऊंगी जैसा बेबी ने कभी नहीं खाया होगा। सबसे पहले मैं बंस को सेकूंगी, फिर टमाटर जिसे रिंग्स में कटा हुआ होना जरूरी है, और कीमा मीट। अच्छे कीमा से कटलेट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, चलो पहले इसे गोल बनाती हूँ और फिर पैन में डालकर सेकती हूँ, और फिर सलाद के पत्ते, रसदार कटलेट, चीज, टमाटर और एक बन के साथ सब कुछ कवर करती हूँ। ओह, मेरा सब तैयार हो गया। ओह चलो इनी, ये एक साधारण सैंडविच है, मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। तू, मेरे पास भी एक आइडिया है। ये बंस मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं। मैं कुछ स्वादिष्ट ले लेती हूँ। डोनट, मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगी, मीठा। मेरे बर्गर में एक खास बात होगी कि वह बहुत मीठा होगा। बच्चा सब कुछ खट्टा, मीठा और स्वादिष्ट पसंद करते हैं। मैं यही करूंगी। कैंडी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, अब इसमें मार्शमेलो डालना बचा है। कितना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट और मीठा। मैं इस मीठे बम को खुद खाना चाहती हूँ। अब इसे ऊपर से ढक देती हूँ और यह तैयार। यहाँ मेरे काले बंस तैयार हैं। हम उस पर चीज डालेंगे, एक लाल मीट कटलेट। हमें अधिक चीज और अधिक खून की जरूरत है, यानी केचप की। हाँ, तो अब इसे ढक सकते हैं। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है, चिप्स मेरे लिए नहीं बल्कि बर्गर के लिए। वे मेरे मॉन्स्टर बर्गर के लिए एक बढ़िया जीप का काम करेंगे। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं खाएगी। तुम मेरे आइस लेना चाहती हो? अरे ये मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद थिंग, तुमने मुझे गमी आइस दिया, वे तुम्हें भी सूट करते हैं, लेकिन अभी मेरे बर्गर को इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरा बर्गर बहुत ही प्यारा बना है, चखने के लिए तैयार। सारे बर्गर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? ओ, मैं इस अजीब के साथ शुरू करूंगी, यह फनी है और बहुत स्वादिष्ट है। और आगे क्या है? ओ हाँ, यह बर्गर जैसा मैंने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा लग रहा है। इसे जरूर अच्छा होना चाहिए। मैं इसे खाने जा रही हूँ। यह क्या, प्याज? छी, नहीं, मैं इसे अब नहीं खाऊंगी। दादी मैं प्याज नहीं खाती। तो यह क्या मीठा बर्गर है? इसे इनिड ने बनाया है। वाह, यह बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। मैं किसे चुनू और जीत जाती है? वेंसडे को। वाह, गमी आइस भी बहुत अच्छे हैं। मुझे यह बहुत पसंद है।
वेंसडे बधाई हो, क्या तुम खुश हो रही हो? वाह, चलो वेंसडे अपने सभी दांतों के साथ पूरा मुस्कुराओ। नहीं खैर ठीक है, पर तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। मुझे कोको चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? क्या सब तैयार है? मुझे आशा है सब कुछ स्वादिष्ट होगा। कौन शुरू करेगा? हाँ, अब मैं एक सॉस पैन में कोको और दूध मिलाने जा रही हूँ। यह सुपर स्वादिष्ट कोको होना चाहिए। चलो कुछ चॉकलेट मिलाएं। चॉकलेट ड्रिंक। तो मेरा कोको केवल एक मग में सर्व किया जाना चाहिए जिसमें मेरी पिक्चर हो, यह बेहतर है। सभी को पता चलना चाहिए कि यहाँ नंबर एक कौन है। दादी आप सच में बेस्ट हैं, लेकिन मेरा कोको भी कोई खराब नहीं होगा। मेरे पास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट है। अब मैं फ्राइंग पैन में कुछ चीनी डालूंगी। कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी दादी। ठीक है, और अब मुझे दूध की जरूरत है, मैं दूध खोलती हूँ। ओह चलो खुल जाओ। ओह मैंने इसे गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, इतना कोको के लिए काफी होगा। मैं इसे सिर्फ सफेद नहीं छोड़ सकती, मुझे थोड़ा नीला रंग चाहिए, आकाश की तरह। देखो कितना सुंदर है। पीली क्रीम काम आएगी। अब मैं इसमें स्वादिष्ट धारियां बनाऊंगी। चमकीले स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूलना है। चलो इसमें अपना कोको डालें। अच्छा है ना, मुझे तो लगता है यह कमाल का है। बेबी खुश हो जाएगी। और कैंडीज और डेकोरेशन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह बहुत बढ़िया। और यह स्ट्रॉ रेनबो के साथ। थिंग, क्या तुमने यह रंगों का पागलपन देखा है? मैं किसके बगल में काम कर रही हूँ? मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो कि मैं किस तरह का कोको बनाने जा रही हूँ। मैं अपने फेवरेट ग्लास में कोको डालूंगी। अब इसे सजाऊंगी, वर्म्स जोड़ूंगी, पर यह गमी कैंडी होंगे, हम ज्यादा डराएंगे नहीं। तैयार। अगर सभी तैयार हैं, तो बेबी तुम इसे चक्कर बताओ, क्या तुम तैयार हो? ओ हाँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह कोको बहुत रंगीन है, यह जरूर इनिड ने बनाया होगा। स्वादिष्ट। ओह, और यह मेरी प्यारी दादी है। दादी के कोको हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। वाओ बहुत अच्छा। ओह, और यह फिर से वेंसडे का है, उसकी फेवरेट खोपड़ी। चलो इसे ट्राई करें। गमी कैंडी और कोको स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना है। मैं इसे चुनती हूँ। इनिड फिर से जी। क्या पिज्जा इतना छोटा क्यों है? और जॉन का साधारण है। हाँ मैं बहुत लकी हूँ। वाओ क्लोए, क्या इस आकार का पिज्जा भी मिलता है? अपना चश्मा पोछो नर्ड, मेरा पिज्जा देखा, यह मिलता है, लेकिन एमा सबसे पहले खाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास एक सुपर छोटा पिज्जा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। चलो मेरा हो गया, यह स्वादिष्ट था लेकिन पेट खाली है। हाँ हाँ अब मेरी बारी है, मुझे अपना पिज्जा खाना शुरू करना होगा। वाओ चीज इतना स्ट्रेची है, तो तुम मेरा पिज्जा चोरी करने की कोशिश भी मत करो। ओ, रुको, ये तुम्हारा नहीं है, मैंने सभी टुकड़ों को गिना था। चलो वापस खाने पर आते हैं, मेरे पास दो और हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ और अब खाऊंगा। वाओ कितना चीजी है। चलो अब तुम्हारी बारी है क्लोई, मुझे बताने के लिए धन्यवाद नर्ड। चलो पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। वाओ मेरे पास निश्चित रूप से एक साल के लिए काफी पिज्जा है। वाओ दोस्तों मुझे माफ करो, लेकिन यह हिस्सा केवल मेरे लिए है, इसलिए मैं उसे शेयर नहीं कर सकती। सभी टुकड़ों के लिए पेट में काफी जगह है। मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें रुकना चाहिए, तुम इतना कहाँ फिट कर पा रही हो? ओ नहीं मेरा पेट, वो इतना बड़ा हो गया है। तुम क्यों हंस रहे हो? मेरी मदद करो एमा प्लीज। यह काम बिल्कुल मेरे लिए है। चलो क्लोई अपनी जगह से निकल जाओ। ठीक है क्लोई, यह ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल या क्लोई है, क्या तुम पहले मिले हो? और अब हम दोस्त बनने वाले हैं। क्लोई आलसी मत बनो, एवरेज स्पीड और दौड़ो जल्दी क्लोई, पिज्जा केक स्लाइस के लिए। चलो दौड़ो, चलो चलो और करो। ओह चलो और। ओह क्या तुम इसे मुझे तुरंत दे सकती हो? ये इतना स्वादिष्ट है। और हो गया।
वाओ, क्लोई तुम पहले से भी बेहतर दिख रही हो। तो चलो एक फोटो लेते हैं। और यह क्या है? मेरे प्लेट में कोई टुकड़ा है, खाना कहाँ है? ओह, मेरे पास बड़ा मार्शमेलो है। और यह क्या है? ओह, चलो इधर देखो भी मत, चलो अपना खाओ। ठीक है, वैसे मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अपने छोटे मार्शमेलो को पकाऊंगी ताकि यह तुम सभी की तुलना से बेहतर स्वाद दे सके। एक फ्राइंग पैन में मार्शमेलो को भूनूंगी और इसे निकालती हूँ। बहुत बढ़िया, और अब इसे खाती हूँ। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट था। चलो अब तुम कर सकती हो। बढ़िया, मैं भी अपने मार्शमेलो को भूनना चाहती हूँ। हम इसे एक स्टिक पर डालते हैं और बर्नर निकालते हैं। एक छोटे से आग से भूरे रंग का स्वादिष्ट ट्री। वाओ, कितना सुंदर सुनहरा रंग है। चलो इसे खाती हूँ। वाओ, यह स्वादिष्ट है। अद्भुत, मुंह में घुलता जा रहा है। जॉन, तुम शुरू कर सकते हो। हाँ, आखिरकार मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं इस मार्शमेलो को पूरी तरह से भूनने जा रहा हूँ। ज्यादा आग की जरूरत है। ओह, बिल्कुल सही रंग। वाह, और क्या महक है। तो ऐसा लगता है सब कुछ तैयार है। अब मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। ओह, कितना क्रिस्पी हो गया मुझे लगता है। आह, जॉन, तुम एक जंगली जानवर की तरह कर रहे हो। हाँ, मैं हूँ। क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात? क्या हुआ अम्मा? वाह, यह पॉपकॉर्न की मेरी बकेट है। अरे, मेरा साइज देखो, यह बहुत सारे पॉपकॉर्न है। वाह, और तुम्हारे बारे में क्या? ओ जॉन, यह सच्ची में सबसे छोटा पॉपकॉर्न है जिसे मैंने कभी देखा है। तो क्या यह स्वादिष्ट है या पक्का है? लेकिन मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ओ हाँ, मेरे पास एक विशेष बीम है। हमें इसे आजमाने की जरूरत है। इसे जगह पर रखते हैं, प्रोटेक्टिव चश्मा लगाते हैं और चालू करते हैं। ओ, तैयार हो जा। वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अरे, क्या यहाँ क्या हो रहा है? क्या वो और भी छोटा हो गया है? हमें योजनाओं को फिर से देखने की जरूरत है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो इसे फेंक देता हूँ मशीन को और मैं इसे खा जाता हूँ। चलो अब तुम करो। बढ़िया, चलो अब यह खाते हैं। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं सब कुछ जल्दी से खाने जा रही हूँ। एमा, तुम सुपर फास्ट हो। आखिरी बचा है। सभी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है। मेरा हो गया, तुम्हारी बारी है। वाह, आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट का मजा ले सकती हूँ। मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। चलो मैं पहली हूँ। चलो, ओह, मेरे साथ भी शेयर करो। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है और यहाँ बहुत सारे हैं। ओह, चलो मैं और पकड़ता हूँ। क्या मेरा खत्म हो गया? ओह, चलो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। ठीक है। क्या इतना छोटा सा प्रिंगल्स? अरे नहीं जॉन, तुम सिर्फ एक लूजर हो। मेरे पास बड़ा पैक है। हालांकि नहीं, यह चिप्स का मेरा विशाल पैक है। क्या जॉन? ठीक है, तुम पहले शुरू कर सकते हो। ओह अच्छा है, चश्मे के साथ भी इस पैकेज को देखना मुश्किल है। मेरा माइक्रोस्कोप निश्चित रूप से यहाँ काम आएगा। चलो खाते हैं। ओह, मैंने सब गिरा दिया और तुम्हें बस मुझ पर हंसना है। ठीक है एमा, तुम्हारी बारी है। बहुत बढ़िया, एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। अब मैं तुरंत सभी चिप्स बाहर निकालती हूँ। तैयार, देखो कितना अच्छा मैंने फिंगर स्केट खरीदा है। है ना अच्छा? ठीक है, अब मैं प्रोफेशनल की तरह स्केटिंग करूंगी, लेकिन उंगलियों पर, इस तरह। यह मेरे मुंह में कुछ चिप्स फेंकने का एक शानदार तरीका है। ठीक है दोस्तों, मेरा हो गया। क्लोई, तुम जारी रख सकती हो। ठीक है, तुम कितनी धीमी हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब चलो पैकेट को खोलते हैं और खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। कितना बड़ा सा प्रिंगल्स चिप्स है। हाँ, इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि मैं उन्हें अपने मुंह में डालूं। ओ नहीं, ये बहुत बड़ा है। आउच, कोई मेरी मदद करो। दोस्तों, मेरा बैलेंस खराब हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। और क्लोई, वैसे कुछ चिप्स बाकी है। एमा, चलो खाते हैं। तो हमें इस दुनिया का सबसे छोटा बर्गर खाना होगा। मेरे पास एक सामान्य बर्गर है। क्या इससे भी बड़ा होता है? निश्चित रूप से होता है। इस बड़े से बर्गर को देखो। वाह, चलो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यह मुझे दो और यह भी।
मैं बढ़िया सा गुलेल बना सकता हूँ और यह तैयार हो गया। अब तुम सब देखोगे कि मैं अपने मुंह में बर्गर कैसे फेंकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? ये पकड़ लिया। क्या तुमने इसे देखा? ये बहुत अच्छा था। चलो प्लो, अब तुम जारी रखो। बढ़िया, मुझे बहुत ही भूख भी लग रही थी। यह कितना रसदार और स्वादिष्ट है। मुझे बर्गर बहुत पसंद है। दोस्तों, क्या मेरा चेहरा साफ है? सब कुछ ठीक है? क्लोई, तुम फनी लग रही हो। बहुत अच्छा, तो एमा जारी रख सकती है। क्यों नहीं, लेकिन इसे बेहतर तरीके से कैसे खा सकती हूँ? ये बहुत बड़ा है। ओ हाँ, मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। अब मैं इसे चपटा करने जा रही हूँ। तैयार हो गया। यहाँ ऐसा साइज है जिसे मैं निश्चित रूप से खा सकती हूँ। चलो जल्दी खाती हूँ। वाह दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैंने बहुत खा लिया। क्या? मुझे इतना छोटा डोनट क्यों मिला है? और दूसरों के पास क्या है? खैर, आखिरकार मैं लकी हूँ, एक बड़ा डोनट। हालांकि रुको, बड़ा नहीं। एमा, क्या तुम्हारे पास फिर से विशाल डोनट है? मैं वास्तव में लकी हूँ, लेकिन क्लोई शुरू करेगी। मैं ठीक है, मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ। बस हो गया। जॉन, तुम अपना डोनट खा सकते हो। हाँ, सच में? वाव, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है। लेकिन एमा, मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे खाओगी। चलो खाओ। ठीक है, मैं बिना मतलब के जिम नहीं जाती हूँ। डोनट को खींचने से पहले अच्छी से तैयारी करनी होगी। अपने हाथों पर थोड़ा सा पाउडर सही तरीके से पकड़ना है और तब मैं इस बड़े से डोनट को उठा सकती हूँ। मुझे बहुत मजबूत होना है। अरे वहाँ पर कौन है? अरे हटो, ओ मैं गिर रही हूँ। एमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ या कहाँ। मम्मी, मेरे लिए चॉकलेट बार खरीदो। कैसा शोर है, अभी तो दोपहर के केवल 2 बजे हैं। एक मिनट रुको, क्या आज 31 अक्टूबर है? इसका मतलब है कि सिस्टर जेन पर खौफनाक हैलोवीन प्रैंक का समय शुरू होने वाला है। पहली शरारत एक गेंद और एक सफेद चादर की होगी। डरावना चेहरा नहीं भूलना है। हाँ, बू, यह कैसा चल रहा है? डर लग रहा है? तो चलो आगे चलते हैं। हमें बहुत ही शांत रहना होगा। बू, ये देखो मेरी बहन गहरी नींद में सो रही है। तुम उसके सिर के ठीक ऊपर एक भूत लटका सकते हैं, ताकि जब वो अपनी आंखें खोले तो वो सबसे पहले इसे देखे। इसके बाद वो अपने हाथों पर ध्यान देगी और उस पर खौफनाक दस्ताने पहने होंगे। वो उठकर मुझे ढूंढना चाहेगी, लेकिन अगर उसके पैरों के नीचे गोल कैंडी है तो वो दूर नहीं जा पाएगी। और अगला सबसे अच्छा है, एक प्लेट पर हरा स्लाइम। वो इस पर मुँह के बल गिर जाएगी। ये बहुत ही मजेदार होगा। और अब फाइनल टच, दरवाजे पर ईंट की दीवार लगा देते हैं। हाँ, चलो देखते हैं और हंसते हैं। ओ, कितनी अच्छी सुबह है। अरे ये किस तरह का भूत है? ये मैं भूत हूँ। अरे ये तो सिर्फ दस्ताने हैं। खैर जो भी हो, बेन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे मैं गिर रही हूँ। मुझे ऐसा कि स्नॉट नहीं था। बस बहुत हो गया बेन, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बेन। अरे यह क्या है? यह एक दरवाजा हुआ करता था। ओह सच में, तो यह एक सिर्फ वॉलपेपर है। गुड मॉर्निंग छोटी बहन, तुम्हें हैप्पी हैलोवीन। लगता है तुम खराब मूड में हो। क्या अच्छा शो है, मैं अपनी आँखें से नहीं हटा पा रही। हमें नाश्ते के लिए कुछ चाहिए। दूध, हमारे पास नाश्ते के लिए सीरियल्स है। बढ़िया है, लेकिन जेन अभी भी शो को इतना मगन होकर देख रही है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उस पर प्रैंक कर सकता हूँ। हम अपनी प्लेट में सभी मीठे फ्लैक्स डालते हैं, लेकिन मेरी बहन के लिए मेरे पास कुछ और भी दिलचस्प है, गंदे कीड़े। अब हम सब कुछ एक खाली डब्बे में डाल देंगे और जेन के पास ले जाएंगे। मुझे आशा है उसे यह नाश्ता पसंद आएगा। खैर, अब उसे यह दे सकते हैं। अरे सिस्टर, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। यहाँ तुम्हारे लिए कप दूध और सीरियल है, और मैं चम्मच के बारे में भी नहीं भूला हूँ। ओ तुम कितने अच्छे हो। धन्यवाद, मैं एक नया शो देख रही थी। मैं इसे सुबह से देख रही हूँ और अपनी ध्यान नहीं हटा पा रही हूँ। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, और तुम जानते हो मुझे दूध के साथ सीरियल्स बहुत पसंद है। ओह, इसकी गंध तो अद्भुत है।
स्वाद, छी, कितना गंदा। क्या तुम कीड़े दे दिए हो मुझे? तुमने नाश्ते में कीड़े खाए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि अपने भाई को कैसे प्रैंक किया जाए। हम एक नकली टेबल बनाएंगे और काले टेबल क्लॉथ में चेहरे के लिए छेद करेंगे। ऊपर मैं इस पर पॉपकॉर्न डालूंगी और एक डरावना मेकअप करूंगी और अब हम उसे डरा सकते हैं। वाओ, पॉपकॉर्न की पूरी बकेट, कितना अच्छा है। वाओ, अब एक अच्छा वीडियो लगाकर इसे खाते हैं और शानदार समय बिताते हैं। लेकिन यह कुछ संदिग्ध लग रहा है, लेकिन पॉपकॉर्न स्वादिष्ट लग रहा है। अरे, किसी मॉन्स्टर ने मुझे काट लिया। मैं एक पॉपकॉर्न मॉन्स्टर हूँ, तुम मेरा पॉपकॉर्न नहीं खा सकते। मुझे मत खाओ। मेरे मन में एक नया शानदार आइडिया है प्रैंक के लिए। हाल ही में एक नकली हाथ मेरे पास था और जैन हेलोवीन के लिए अपने कमरे को सजा रही है। ये बहुत बड़ा मजाक होगा यदि मैं गलती से अपने हाथ में ड्रिल करता हूँ तो। मुझे बस नकली हाथ लगाने की जरूरत है। अब मैं अपनी बहन की मदद के लिए जा रहा हूँ। जैन, तुम क्या कर रही हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं बस अपने सामान अपने साथ लाया हूँ। मैं कुछ ही समय में यहाँ छेद कर देता हूँ। ये क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा हाथ, मैंने अपने हाथ में ड्रिल कर लिया। नहीं, क्या ये बेन का हाथ है? ओह, ये नकली हाथ है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। अब मैं उसे आर्टिफिशियल माइंड से प्रैंक करूंगी। इसके लिए मुझे खूनी पट्टियों की जरूरत होगी और नकली खून की भी। हम पट्टियों को डुबाते हैं, अब हम बीक के नीचे सब कुछ छिपाते हैं और अब डराने जा सकते। वेंजी ने चाकू क्यों निकाला? अरे, रात में डरावनी फिल्में देखना बुरा आइडिया है। आगे क्या होगा? ओ जेन, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने आई हो? क्या तुम कुछ चिप्स लाई हो? ओ वाओ, अरे मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा, मुझे चिप्स दो। अरे, ये क्या हो रहा है? जेन, तुम्हारा दिमाग दिखाई दे रहा है। मुझे अपने भाई बहन पर एक शरारत के लिए नया आइडिया मिला है। अब मैं कद्दू से एक डरावना चेहरा काटने जा रही हूँ जो उसे पक्का डराएगी। या आंखें होंगी और अब मुंह। बढ़िया, हमें अंदर एक मोमबत्ती डालनी होगी और यह हो गया। अब हमारे कद्दू के मॉन्स्टर को बेन के बिस्तर के नीचे रखेंगे। अंधेरे से यह चेहरा और भी डरावना लगेगा। लेकिन यह काफी नहीं है, खूनी निशान छोड़ना जरूरी है, जैसे कि एक मॉन्स्टर अपने बिस्तर के नीचे छिप गया हो। और अब हमें बेन के आने से पहले यहाँ से भागना होगा। मैं अपने पैरों पर रंग लगा लेती हूँ और यहाँ अपना फुटप्रिंट छोड़ूंगी और भाई के आने से पहले भाग जाती हूँ। मेरा फेवरेट गाना बज रहा है। हाँ, और ये मेरा फेवरेट टाइम भी है। ये, अरे, ये पैरों के निशान कैसे हैं? और वे मेरे बिस्तर के नीचे क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है। बिस्तर के नीचे कौन है?